अस्सलाम वालेकुम। आज हम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जो ड्रामाई जो अंदाज़ में जो उन्होंने एंट्री की थी, दाखिला किया था सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुतालिक बात करेंगे। और 31 मिनट की जो उन्होंने वहाँ पे गैर मनकूल गुफ्तगू की, तो उस गैर मनकूल गुफ्तगू में जो केस से रिलेटेड मतलब किसी बात का कोई ताल्लुक ही नहीं लग रहा था। और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब एक लड़जाते हैं अंदाज में हमें दिखाई दिए, कि ऐसा आदमी जो लड़जा रहा था ऐसा आदमी दिखाई हमें दिया। जो उनकी दरख्वास्त वहाँ पे जो जमा हुई उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको मेन मेन बता देता हूँ। पहली तो एक ये कि ये उनकी अहलिया एफ बी आर के सामने पेश नहीं होंगी, क्योंकि वो पहले भी एफ बी आर के सामने गए और उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, सही है। दूसरा, उन्होंने वो जो 10 जजों की जो अदालत थी जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है, उसमें अपनी एरिया का वीडियो लिंक पेश किया। और तीसरा, जब उनसे अदालत जज ने ये पूछा कि भाई आपको आपकी एरिया अपनी जायदाद के बारे में सबूत क्यों नहीं जमा करवाती और एक रिटर्न डिटेल में क्यों नहीं लिख के देती, तहरीरी जवाब क्यों नहीं देती, अगर वो ये दे देती हैं फिर उसको देखने के बाद फिर सोचते हैं कि भाई मज़ीद अगर हमने कुछ पूछना है तो फिर उनका वीडियो लिंक का इस्तेमाल किया जाए। तो उस पर जो ये हमारे जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, उन्होंने कुछ ऐसी मतलब क्या बोलते हैं ऐसी वजूहत पेश की जिनकी बिना पर मतलब उन्होंने इसको नामुमकिन कहा, जो बिल्कुल नाकाबिल एतमाद मतलब वजूहत थी, समझ से बालातर बिल्कुल ना। तो अब ये है कि इस अभी इनको मतलब ये इतने कमज़ोर दे रहे हैं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में अपने केस का सामना करने के बजाय ये इन्होंने अपने ये जो सारे जो अपनी जो जो इनके अगेंस्ट जो इल्ज़ाम है उसको पशे पुश डाल के इन्होंने दरख्वास्त जमा करवाई कि जो रेफरेंस इनके अगेंस्ट है इसको खारिज किया जाए। और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कि उनसे बोलें कि भाई आप अपने जो केस को है उसको फेस करें, उसका सामना करें, जवाब दें अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक। उन्होंने भी इस जो इन जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं, जो क्या बोल सकते हैं इनको हम, एक मतलब एक ऐसा शख्स मतलब जो अपने जो अपना केस का सामना नहीं कर पा रहा, अपनी प्रॉपर्टी के मुतालिक सवालात के जवाब नहीं दे पा रहा, उसकी मदद करते हुए एक 10 जजेस का बेंच इन्होंने बनाया है कि भाई दरख्वास्त सुनी जाए कि भाई जो इनके खिलाफ ये जो पिटीशन है इसको रद्द किया जाए। और बड़ी हैरानी की बात है कि अब जब इनके गले के इर्द गिर्द जो फंदा है वो सख्त होता हुआ इस मामला में दिखाई दे रहा है, तो ये अपनी बीवी के वालिद के कैंसर की बीमारी और किस तरीके से इनको गवर्नमेंट और जो इनके जो वकील है फारूक नसीम साहब इनके खिलाफ शिकायतें उनकी बातें करने में लगे हुए हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ, मैं चीफ जस्टिस से मुतालबा करता हूँ कि अब इस ड्रामे को ख़त्म किया जाए और काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बोला जाए कि भाई जो अपनी जो इनकी जो जायदाद है इनकी मनी ट्रेल दिया जाए। अगर जजिस और ये जो गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं अगर यही अपनी जायदाद को और अपने जो जो मामलात हैं इनको जो जायदादें हैं अपनी जो इनकी इनकम्स हैं इनको एफ बी आर के सामने नहीं शो करेंगे, तो फिर एक आम आदमी से ये कैसे तसव्वुर करते हैं कि भाई वो मतलब इस पर अमल दरामद करे, सही है। तो जजिस से यही है हमारा एक दरख्वास्त है कि आप जो ये बच्चा बच्चा है जो पाकिस्तान है इसमें जो थोड़े बहुत इदारे अभी बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत जो यहाँ पे मामला चल रहे हैं, इनको भी बिल्कुल तबाह होने से बचाएं और इस केस में इनसे सवाल किया जाए और उनको पूछगछ की जाए और उसकी सख्त से सख्त इनको सज़ा दी जाए और इनका साइड नहीं लिया जाए, जिस तरीके से लग रहा है इस केस को देख के पूरा इनका साइड लिया जा रहा है और इनको फेवर दी जा रही है। और जो अदालतों का वैसे ही हमारे मुल्क में बदनाम है और मतलब एक मैसेज दिया जा रहा है आम लोगों को कि क्या ये देखें किस तरीके से होता है कि नीचे गरीब रुल्ला होता है और ऊपर देखें किस तरीके से जजेस को जजेस फेवर दे रहे होते हैं इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के सीन में। तो इसमें ही आखिर में मैं आपको एक क्या बोलते हैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहता हूँ कि एक बड़ा मशहूर वो क्या बोलते हैं इसमें ये जजेस के मुतालिक एक क्या बोलते हैं ये जो हमारे अदालत और ये जो जज हैं और इनके मुतालिक है कि
मशहूर जोक बोल सकते हैं कि एक बुज़ुर्ग जो 13 साल के बाद जब उनका केस का जज फैसला करता है तो वो खुश होते हैं बड़ा 13 साल के बाद, और वो जज को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे और तुझे थानेदार बनाए। तो जज मुस्कुराता है, वो समझता है, बोलता है कि ये देखें, मतलब उनकी जो नादानी पे मुस्कुरा रहा होता है कि मैं तो जज हूँ, मैं जज तो थानेदार से बड़ा होता है। तो वो जो 13 साल के जो 13 साल से केस लड़ रहे होते हैं बुज़ुर्ग बड़े मियाँ, तो वो कहते हैं कि नहीं, थानेदार तुमसे ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि तुम्हें एक केस का फैसला करने में 13 साल लगे और थानेदार सिर्फ बोलता है कि 5,000 रुपये मुझे दे दो और मैं तुम्हारे केस का फैसला भी कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल सही है, और यही है हमारे सामने हकीकत है कि किस तरीके से कोर्टों में आम लोग किस तरीके से धक्के खा रहे होते हैं, और यहाँ पे जो बड़े जज हैं जिनकी इतनी मिलियन पाउंड्स की जायदाद है, जो किस तरीके से उन्होंने बनाई है उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, और कुछ पता नहीं है कि कहाँ से बनाई है, किस केस में किन केसेस को गलत तरीके से डील करके गलत फेवर दे के गलत पार्टीज को उन्होंने ये पैसे उनको मिले हैं, तो जो अभी तक यही लग रहा है, तो उसको मतलब पूछताछ करने की जगह उनको फेवर दी जा रही है। तो बस अल्लाह खैर करें, क्योंकि अगर इस चीज़ में फैसला नहीं होता इंसाफ के साथ और इनकी पूछ गछ नहीं होती तो बस फिर हमारे मुल्क का फिर अल्लाह हाफिज़ ही है इस तरीके से।